फैंसी दोस्तों, मैं आपकी दोस्त रूही हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपका अपनी IMC रसोई में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि IMC रसोई कंपटीशन के द्वारा पूरे देश से अलग अलग रेसिपीज बनाकर आप लोगों ने हमारे साथ शेयर की, तो अब हमारी बारी है टॉप डिशेस की रेसिपीज को पूरे भारत में पहुँचाने की, ताकि सेहत का फायदा सब उठा सकें। पिछले एपिसोड्स में हमने हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स की रेसिपीज आपके साथ शेयर की, और अब बारी है टॉप विनर यानी टॉप 12 रेसिपीज को आप तक पहुंचाने की। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी IMC रसोई की पहली विनर, जो कि है हरियाणा से शशि चोपड़ा जी। इनकी रेसिपी है पालक चिल्ला। शशि जी, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं इस रेसिपी के लिए, और आपको ढेरों शुभकामनाएं IMC की टॉप विनर बनने के लिए। कहते हैं, घर का खाना हो तो स्वाद दोगुना हो जाता है, और जब फसल ही अपने घर की हो तो सेहत तो अपने आप दोगुनी हो जाएगी। पालक चिल्ला में इस्तेमाल होने वाले पालक शशि जी द्वारा घर पर ही उगाए गए हैं, वो भी IMC के एग्रो ग्रोथ बूस्टर की मदद से। आइए अब देखते हैं होम ग्रोन पालक की होममेड रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। मेन इंग्रेडिएंट है पालक, इसके बाद IMC मल्टीग्रेन आटा, IMC चाट मसाला, IMC कश्मीरी मिर्च, IMC किचन किंग मसाला और नमक। स्टफिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे पनीर, मटर, टमाटर और IMC कश्मीरी मिर्च, IMC किचन किंग मसाला, नमक, IMC चाट मसाला और IMC गरम मसाला। शेक बनाने के लिए दूध, IMC जीवन शक्ति रस और कटे हुए बादाम गार्निशिंग के लिए। तो अब चलते हैं इस हेल्दी सी रेसिपी के डेमोंस्ट्रेशन की तरफ। IMC का मल्टीग्रेन आटा, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ये बहुत सारे अनाज से मिलकर बना है। इसका इस्तेमाल साधारण आटे में मिलाकर किया जा सकता है। ये हमारी हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाता है और स्टेमिना भी बढ़ाता है। तो अब चलते हैं इस हेल्दी सी रेसिपी के डेमोंस्ट्रेशन की तरफ। मिला है कि IMC में मैं अपना कोई हुनर दिखा सकूं, तो मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ। गैस को ऑन किया और मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया। फिर मैंने पालक के पत्ते लिए 8-10, जो मैंने अपने घर पे टेरेस पे उगाए हुए हैं एग्रो ग्रो बूस्टर से, तो मैंने उसको लेके और थोड़ा पानी डाल के मिक्सर ग्राइंड में पीस लिया। तो अब मैं इसके अंदर मल्टीग्रेन आटा डालूंगी, आधी कटोरी आटा डाल। इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, इसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला। ये सब मैंने IMC के प्रोडक्ट यूज किए हैं इसके अंदर। ये हमारी कश्मीरी मिर्च, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। हम इसको सब्जी में भी डालते हैं तो सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा आता है, खाने में भी स्वादिष्ट है, और इससे गैस तेजाब बिल्कुल नहीं बनता है। ये हमारी थोड़ी सी स्पाइसी मिर्च है, अगर आपको किसी को नहीं डालनी तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसके अंदर किचन किंग भी होगी टेस्ट अकॉर्डिंग। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, इसका थोड़ा सा पतला बैटर बनाएंगे, क्योंकि मैं स्टफ चीला बना रही हूँ। ये हमारा सारा सिस्टम तैयार हो गया है। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर RDO, हमारा राइस ब्रैन ऑयल, बहुत अच्छा है, हम सारे सब्जी में यूज करते हैं और इससे धुआं वगैरह भी नहीं उठता और हेल्दी भी है, ये हमारी हेल्थ को भी सही रखता है। इसको हम सारे तवे पे फैला देंगे ब्रश की सहायता से। ये मैंने इसकी स्टफिंग तैयार कर ली है, ये इसके ऊपर रखेंगे, और साथ में मैंने रॉ मैंगो की चटनी बनाई है इसके साथ, ये बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे रेडी हो चुके हैं।
छीले। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। रखी है पनीर और मटर और प्याज टमाटर डाल के अब हम इसके ऊपर इसको फ्रिंग कर देंगे। पनीर की स्टफिंग तैयार की है, इसमें भी मैंने सारे आईएमसी के मीट मसाले यूज किए हैं। इसमें मैंने गरम मसाला भी किचन के भी और थोड़ा सा चाट मसाला और हमारी कश्मीरी मिर्च डाली है इसके अंदर। ये हमारी रा मैंगो वाली चटनी है। ये इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। और ये हमारा केचप है। और ये प्लेटिंग तैयार हो गई है। ये हमारी सॉस है टोमेटो सॉस, इसके साथ हम आप इसको खाएंगे तो ये हेल्दी भी है और ये हमारे आईएमसी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, ऑर्गेनिक हैं, ये गुड आईएमसी डोज। रेसिपी तो आसान और मजेदार है और इससे भी मजेदार और अच्छी बात ये है कि इसमें आईएमसी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हुआ है जो कि हम सब जानते हैं हमारी सेहत के लिए कितने फायदेमंद है। तो देर किस बात की, अभी आज ही बनाइए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और अब मुझे यानी रूही को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और खाते और खिलाते रहिए ऐसी ही हेल्दी रेसिपीज। गुड आईएमसी।